हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि फेसबुक पेज ग्रोथ क्यों रुक जाता है, और अगर ग्रोथ रुक जाता है तो एज ए क्रिएटर आपको क्या कुछ चीज है जिसके ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर का आए दिन एक क्वेश्चन आता है कि सर, अचानक से मेरा पेज का जो रीच है वो घट गया है, एंगेजमेंट घट गया है, पेज पे रिएक्शन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, अब मैं क्या करूं, ऐसा क्यों हुआ है, आप थोड़ा चेक कर दो। अब डिफरेंट पेजों का जो रीच घटने का रीजन है, एंगेजमेंट घटने का रीजन है, ग्रोथ कम होने का रीजन है, वो अलग अलग होता है, और हर किसी का पेज चेक करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मगर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा कि आपके पेज के ग्रोथ अगर कम होता है, या फिर आप एक नया पेज क्रिएट किए हो, मेहनत कर रहे हो और पेज ग्रो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, जिस पे कंसंट्रेट करने के बाद आपकी जो रीच है वो बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा और ओवरऑल पेज का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना अगर आप एक क्रिएटर हो, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है आपको समझना पड़ेगा, और पेज के ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है इसको समझने के लिए बेस्ट टूल जो अभी फेसबुक पे अवेलेबल है वो है हमारे क्रिएटर स्टूडियो। तो क्रिएटर स्टूडियो ऑलरेडी मैं क्लिक करके ओपन करके रखा हूं नए टैब पे, तो मैं क्रिएटर स्टूडियो पे डायरेक्ट चला आया। यहां पे आने के बाद सिंपली से आपको इनसाइट पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही इनसाइट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, बहुत सारे, जिनमें से आपको रिटेंशन वाला जो ऑप्शन रहता है इस पे क्लिक करना है, और यही मेन मैट्रिक्स है जहां से आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपका पेज का ग्रोथ अचानक से क्यों रुक गया, या फिर आप मेहनत कर रहे हो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या करें ताकि हमारा पेज फिर से ग्रो होना शुरू करे, या फिर ऐसा क्या करें ताकि हमारा पेज ग्रो हो। तो ये दोनों ही चीज आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने के लिए मिलेगा, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहो। दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे एक डेटा है कि आपके पेज पे व्यू जो है वो कहां से आ रहा है, वो जानकारी हमें यहां से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, जिसपे ये पर्टिकुलर जो मैं अभी पेज ओपन करके रखा हूं इसका जो मैक्सिमम व्यू है वो आ रहा है रिकमेंडेशन से। हो सकता है कि आपके केस पे यहां पे कोई दूसरा मेट्रिक हो सकता है फॉलोअर ऊपर हो सकता है शेयर ऊपर हो, या फिर और भी कोई अलग मेट्रिक यहां पे शो करे। अब ये सारे मेट्रिक जो है वो डिपेंड करता है आपका पेज कैसे व्यूअर को मिल रहा है, आपके ऑडियंस तक कैसे पहुंच रहा है। सबसे पहला बात, रिकमेंडेशन वाला जो मेट्रिक है ये सबसे ऊपर तभी रहेगा जब आप पेज पे ओरिजिनल कंटेंट डालोगे, आपके द्वारा क्रिएट किया गया खुद का कंटेंट, कहीं से भी अन ओरिजिनल डुप्लीकेट एडिटेड वीडियो नहीं डालोगे। तो मेरे पेज पे 100% ओरिजिनल कंटेंट है, जिसके वजह से फेसबुक का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम जो है वो ट्रिगर हो रहा है। अब यहां पे समझना है आप लोगों को, यहां पे रिकमेंडेशन एल्गोरिदम ट्रिगर हो रहा है मतलब फेसबुक खुद ही पेज को प्रमोट कर रहा है, उसके बावजूद भी ये जो पेज है वो हमारे जो मेहनत है उस पर रंग नहीं ला रहा है। क्यों इस पेज का रीच घट रहा है, क्यों इस पेज का एंगेजमेंट घट रहा है, क्यों इस पेज का लाइक घट रहा है, क्यों उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, जबकि फेसबुक का एल्गोरिदम, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम खुद लोगों तक इस पेज को रिकमेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पेज पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके केस पे यहाँ पे दूसरा मेट्रिक ऊपर हो, रिकमेंडेशन नीचे हो, तो आपको ये देख के समझना है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन मेट्रिक जो है वो ज्यादा होने के बावजूद भी ये पेज ग्रो नहीं कर रहा है। अब फॉल्ट किसका है, फेसबुक का या क्रिएटर का या मेरे कंटेंट का? हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्रिएटर का समझ, दूसरा क्रिएटर का कंटेंट, इसी दोनों चीज पे फोकस करके आप आपके पेज को ग्रो कर सकते हो। यहां पे फेसबुक का कोई फॉल्ट नहीं है, फेसबुक 100% कोशिश कर रहा है इस पेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मगर यहां पे रिकमेंडेशन के जाने के बावजूद भी
मेरे जो रीच है वो बढ़ नहीं रहा है, मेरा जो एंगेजमेंट है वो बढ़ नहीं रहा है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और ड्रिप ड्राइव लगाना पड़ेगा इसी मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एवरेज टाइम जो है पीपल जो स्पेंड कर रहा है हमारे वीडियो पे वो है 4 सेकेंड। इसका मतलब हो रहा है रिकमेंडेशन में जा रहा है, कंटेंट को लोग क्लिक कर रहा है, मगर लोग जो है हमारे वीडियो पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, रिटेंशन जो है ओवरऑल बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलोअर भी देख रहा है, शेयर भी वीडियो हो रहा है, कंटेंट इस पेज का शेयर हो रहा है, फॉलो हो रहा है, रिकमेंड हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये पेज ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हमारा कंटेंट को वॉच टाइम नहीं मिल रहा है, लोग हमारे कंटेंट को देख नहीं रहा है लंबे समय तक। अब यहाँ पे हमें एक हमारे कमी पता चला है, ऐसे ही आप लोगों के पेज पे भी कमी रहेगा, जो कि रिटेंशन पे जाके चेक करोगे तो आपको डेटा के थ्रू मालूम पड़ेगा, ऐसे ही मालूम पड़ता है दोस्तों मिस्टेक क्या हो रहा है। अब एक गलती हमें पता चला, दूसरा हमें और देखना है, तो यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे हाउ लॉन्ग पीपल आर वॉचिंग, कितना लंबा वक्त तक लोग जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सेकेंड के लिए 150 लोग देख रहे हैं, 15 सेकेंड के लिए 33, और 1 मिनट व्यू जो है वो बहुत ही कम, मतलब हम लोग 15 सेकेंड तक कुछ ही लोगों को पकड़ के रख पा रहे हैं हमारे वीडियो पे, 150 लोगों को 3 सेकेंड तक पकड़ के रख पा रहा है। ये 150 से अगर 100 लोग भी 1 मिनट का व्यू दे देता तो यहाँ पे 1 मिनट व्यू का रेशियो ज़्यादा हो जाता, इसके मतलब हम हमारे वीडियो पे लोगों को बांध के नहीं रख पा रहे। यही मिस्टेक के वजह से यहाँ पे भले ओरिजिनल कंटेंट हो मगर हमारा कंटेंट जो है वो रीच ज़्यादा, एंगेजमेंट ज़्यादा और जो रिएक्शन है वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कमी एज ए क्रिएटर हमारे कंटेंट पे है। अब फेसबुक को कोसना कि फेसबुक पहले रिकमेंड करता था अब नहीं कर रहा है, तो फेसबुक कुछ ही दिनों तक ही आपका कंटेंट को रिकमेंड में लेके जाएगा, फॉलोअर तक पहुंचाएगा, उसके बाद अगर फॉलोअर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, फेसबुक का जो मैट्रिक्स है, धीरे धीरे इस रिकमेंडेशन पे भेजने का जो सिलसिला है उसको कम कर देगा। तो आपको यहाँ पे और भी कमी देखने के लिए मिलेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हो पर्टिकुलर डेट रेंज पे के किस टाइम पे आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग कस्टम सिलेक्ट करके आप लोग पर्टिकुलर डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि नवंबर से नवंबर 18 तक ऐसा करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अक्टूबर 1 से नवंबर 18 तक, तो ऐसा करके आप लोग सिलेक्ट कर करके डेट रेंज के मुताबिक चेक करके देख सकते हो, या फिर पर्टिकुलर डेट का भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने 18 नवंबर को देखा, तो यहाँ पे आप रिकमेंडेशन देखो, फेसबुक रिकमेंड कर रहा है मगर लोग जो आ रहा है वो लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं हमारे वीडियो पे, 4 सेकेंड देख के छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे रिटेंशन का 12 बज चुका है जिसके वजह से हमारा पेज ग्रो नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों के पेज पे आप लोगों को जाके देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स इनसाइट के अंदर काम नहीं कर रहा है या फिर बराबर से नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं रिटेंशन पे आया तो मुझे ये अभी ये चीज़ पता चला है, तो आपको भी ऐसे ही मालूमत करना है। और उसके ऊपर से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे और एक बड़ा मैट्रिक्स के बारे में पता चलेगा, वो है कि आपके जो भी मैट्रिक्स, जो भी एल्गोरिदम का ट्रिगर मिल रहा है उनमें से कितना प्रतिशत लोग रिकमेंडेशन वीडियो जा रहा है, कौन सा वीडियो रिकमेंड कर रहा है, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करने से आपको पता चलेगा कि ये वीडियो फेसबुक रिकमेंड कर रहा है। रिकमेंडेशन पे जो भी वीडियो जा रहा है उससे मिलता जुलता वीडियो ज़्यादा बनाया कीजिए ताकि फेसबुक और भी लोगों तक ये रिकमेंडेशन को पहुँचाए। उसके बाद शेयर वाला वीडियो देखने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट को लोग आपके पेज पे ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो उसी के मिलते जुलते कंटेंट आपको बनाना है ताकि आपको और भी ज़्यादा शेयर मिले, जिससे आपका चांसेस हो जाएगा आपका पेज का ग्रो और भी ज़्यादा हो। उसके बाद फॉलोअर मतलब आपके पेज पे ऑलरेडी जो फॉलोअर है वो लोग कौन सा वीडियो पे इंटरेस्ट रख रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा ऑडियंस का एक अंदाज़ा मिल जाएगा कौन सा टेस्ट का वीडियो आपको बनाना है।
अब दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके पेज को ग्रो करने के लिए। अब मुझे ये सारे रिटेंशन मैट्रिक्स देखने के बाद तीन मेन चीज के बारे में पता चला है जिसके ऊपर मुझे मेरे पेज पे अभी काम करना है ताकि मेरा पेज जो है पहले से ज्यादा ग्रो हो और बहुत ज्यादा ग्रो हो। सबसे पहला पॉइंट, मैं देखा कि मेरे वीडियो को लोग 3 से 4 सेकंड देख के छोड़ रहा है। इसका मतलब है मुझे मेरे वीडियो के वो जो 3 से 5 सेकंड का टाइम है पहले का, उसको और भी ज्यादा एट्रैक्टिव बनाना है, ट्रेलर ऐसा देना है कि पूरा फिल्म देख के जाए लोग। यहां पे मुझे काम करना होगा तभी मुझे जो ऑडियंस रिटेंशन अभी 4 सेकंड का मिल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ के 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा ऑन एवरेज। और जब ये ज्यादा होगा तो हमारा रिकमेंडेशन पे जाने का जो सिलसिला है वो और भी ज्यादा हो जाएगा, शेयर और भी ज्यादा होगा, फॉलोअर्स और भी ज्यादा हमारे वीडियो को देखेगा। तो यहां से हमें पता चल गया है, एक क्लू मिल गया है कैसे हम हमारे वीडियोस पे और भी ज्यादा एंगेजमेंट लाए और भी ज्यादा वीडियो को रीच दे। ये फर्स्ट पॉइंट हमें पता चला है अभी मैट्रिक्स को देख के। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, हमारे वीडियो को लोग जो है 4 सेकंड देख के छोड़ रहा है, हो सकता है हमारे वीडियो का जो फॉर्मेटिंग है वो सही नहीं है, और ये है भी, ये जो एस्पेक्ट रेशियो है जिस फॉर्मेट में मैं इस वीडियो को छोड़ा हूँ ये 16:9 है। इसका मतलब है YouTube का जो फॉर्मेट होता है वीडियो का उस पर मैंने वीडियो को बना के रखा है, और Facebook पे जो है दोस्तों स्क्वायर वीडियो ज़्यादा चलता है जो कि 1:1 रेशियो पे होता है या फिर 4:5 रेशियो पे होता है। तो हमें आज से हमारे वीडियो के फॉर्मेट को चेंज करना है ताकि लोगों के मोबाइल स्क्रीन को पूरा कैप्चर करके वीडियो को देखने के लिए मिले, लोगों को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। तो 4:5 रेशियो पे हमें हमारे वीडियो को एडिट करके फिर अपलोड करना है। ऐसे ही यूट्यूब के जो फॉर्मेट होते हैं स्क्वायर वाला, जो मतलब 16:9 रेशियो का होता है, वो नहीं करना है। ये भी एक गलती इस पेज के द्वारा हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ वीडियो पे मैंने देखा है कि हमारे वीडियो पे कमेंट भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कमेंट भी आया है, मगर हमने क्या नहीं किया, इस कमेंट को नश्चर ही नहीं किया। अब नश्चर क्या होता है कि हम इस कमेंट को वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया इस कमेंट पे रिप्लाई करके। तो अगर आपके वीडियो पे प्रोफाइल मतलब पेज पे जो भी चीज़ आप डाल रहे हो उस पे कोई भी एंगेजमेंट आता है, कमेंट आता है, तो हमें उसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने से हमारे वीडियो का रीच और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस पेज पे अभी ये भी एक जो है कमी है। अब दोस्तों और एक चीज़ पता चला है कि ओरिजिनल कंटेंट डालने से सबसे पहला सबसे ज़्यादा जो एल्गोरिदम ट्रिगर होता है वो रिकमेंडेशन वाला होता है, और फेसबुक का 100% सपोर्ट रहता है। ये हमें यहाँ पे पता चल चुका है, रिकमेंडेशन पे सबसे ज़्यादा इस वजह से जा रहा है क्योंकि इस पेज पे हर एक कंटेंट ओरिजिनल है, और मैं मेरे खुद के कंटेंट को खुद से शेयर नहीं करता हूँ। उसके बावजूद भी ये जो पेज पे वीडियोस है ये लोगों तक पहुँच रहा है, और इस पेज पे इतना भी खास कोई फॉलोअर भी नहीं है, और फॉलोअर से व्यू भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, फिर भी जो है वीडियो रिकमेंडेशन पे जा रहा है। और इसका मेन जो एडवांटेज रिकमेंडेशन एल्गोरिदम का मिल रहा है वो मिल रहा है हमें हमारे ओरिजिनल कंटेंट से। तो ये चीज़ों को हमें एज ए क्रिएटर समझना पड़ेगा। जिन लोगों का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम ज़्यादा ट्रिगर नहीं हो रहा है वो किस वजह से नहीं हो रहा है, कंटेंट डुप्लीकेट होगा, कंटेंट जो है अनओरिजिनल होगा, एडिट करके डाला हुआ कंटेंट होगा, खुद के द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं होगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये जो एल्गोरिदम है वो ट्रिगर नहीं होता है सबसे ऊपर। दूसरा हो जाता है, जैसे शेयर हो जाता है, कमेंट रिएक्शन हो जाता है, तो एक एक जन का एक एक है, और आपको देखना है आपका कौन सा मैट्रिक्स ज़्यादा अच्छा है और कौन सा थोड़ा सा खराब है। अगर रिकमेंडेशन थोड़ा सा खराब है इसका मतलब आपको ओरिजिनल कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट और भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब शेयर से जो है
हमें ये भी पता चला है कि हमारे पेज पे रिकमेंडेशन से शेयर जो है कम हो रहा है, तो हमें हमारे पेज पे और भी ज़्यादा शेयरेबल कंटेंट बनाना है ताकि हमें हमारे पेज के कंटेंट पे ज़्यादा लोग देखते ही उसको शेयर कर दे। और शेयरेबल कंटेंट तभी आप बना पाओगे अगर आप आपके जो पेज का नीच है उसके इमोशन को कैप्चर करके वीडियो के थ्रू अपने पेज पे डाल पाओ आज के डेट पे। अगर उस इमोशन को कैप्चर कर लिया तो आपका ऑडियंस जो आपके कंटेंट को शेयर नहीं कर रहा है वो आगे चल के आपके कंटेंट को शेयर करेगा, जिससे आपको रीच भी ज़्यादा मिलेगा, आपके पेज पे लाइक भी ज़्यादा आएगा, फॉलोअर्स भी ज़्यादा आएगा और एंगेजमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों ये सब चीज़ों को मैं जो समझा रहा हूँ अगर आप लोग खुद से नहीं समझोगे, मतलब ट्राई नहीं करोगे समझने का, तो आप लोग ये मत कहना कि फेसबुक आपके पेज को जो है बढ़ावा नहीं देता, बढ़ाता नहीं है, घटा रहा है, अभी ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल भी नहीं है, डेड हो गया है, ये सब फालतू के बात है। जबकि मैं खुद देख रहा हूँ मेरे पेज पे, यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि मेरे पेज पे आप देख सकते हो फेसबुक का फुल सपोर्ट है। और ये सपोर्ट तभी बनेगा जब आप लोग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करोगे, एंगेजिंग कंटेंट बनाओगे और जो भी ट्रिक्स ट्रिप्स आज के इस वीडियो पे मैंने बताया है इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने पेज पे इंप्लीमेंट करोगे। होप गाइज आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन में पकड़ नाम करो दोस्तों, बाय।